हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बलराम। आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बलराम मैकेनिक राइडर। आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैं इंजन को किस तरह से क्लीन किया हूं। आप देख सकते हैं इतना इंजन चैम्बर को क्लीन करना चाहिए, और आप लोग भी क्लीन कर रहे हो तो इतना क्लीन करना चाहिए दोस्तों। जब भी आप इंजन का काम कर रहे हो तो इतना क्लीन करना चाहिए। और नया वाला मैं बेयरिंग फिट किया हूँ, आप देख सकते हैं दो बेयरिंग फिट हो चुका है, और दो बेयरिंग इसमें भी फिट हो चुका है, आप देख सकते हैं दोनों चैम्बर में। और कितना क्लीन किया है दोस्तों, नीट एंड क्लीन है। आप जितना क्लीन करना चाहिए आप लोग जब इंजन का काम कर रहे तो, और इतना क्लीन नहीं करोगे और फिर से इंजन ऑयल डालोगे तो हीट होने के बाद क्या होगा, जो चैम्बर के अंदर थोड़ा बहुत जो काला काला सा रहेगा वो इंजन ऑयल के साथ मिक्स हो जाने से क्या होगा, फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा, जो इंजन ऑयल का कलर चेंज हो जाएगा दोस्तों। इसलिए नहीं कि आपको इस तरह से क्लीन करना चाहिए, और इतना क्लीन करना चाहिए जब भी आप क्लीन कर रहे हो तो दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैं गियर को भी किस तरह से क्लीन किया हूँ। देखिए सारे गियर भी क्लीन हो चुका है और फिट है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों। स्टार्टर गियर भी आप देख सकते हैं, गियर शाफ्ट के साथ जितना भी है पूरा क्लीन हो चुका है। तो जब भी इंजन का काम आप कर रहे हो तो इतना क्लीन करना चाहिए, और ओरिजिनल पार्ट से लगाए आप जब लगा रहे हो, लोकल नहीं लगाना चाहिए आप लोगों को। गैस्किट से लेके जितना भी पार्ट्स लगाना है आपको सारे ओरिजिनल लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं ये क्लच प्लेट है, मैंने ओरिजिनल ही लगा रहा हूँ, और ये जो प्राइमरी ड्राइव गियर है लोगों को पता ही होगा वो भी नया लगा रहा हूँ मैं। और स्पार्क प्लग से लेके टाइमिंग चेन से लेके जितना भी ओ रिंग है सब कुछ मैं ओरिजिनल डलवा रहा हूँ इसमें, ठीक है दोस्तों। क्लच हब क्लच सेंटर जो है वो भी नया आपको लगाना है, जब भी उसका कंडीशन देख के आपको लगाना है दोस्तों। और एक क्रैंक है आप देख सकते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नया क्रैंक है, लेकिन नया क्रैंक नहीं है, वही पुराना क्रैंक है, इसको क्लीन किया हूँ। लेकिन उसका दोनों साइड का इस बेयरिंग चेंज हुआ है दोस्तों, और उसका बीच का जो रॉड है आप देख सकते हैं, ये कनेक्टिंग का जो रॉड है क्रैंक का, वो रॉड नया वाला लगाया है। और आप देख सकते हैं गियर है, गियर फॉर्क बोलते हैं, ये फॉर्क जो है दो लगा हुआ है, ये नया नहीं है, ये भी पुराना है। और आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे घिस जाने से क्या होगा, इस साइड आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए ये दोनों साइड जो ये बना हुआ है, ये वाला हिस्सा जो है घिस जाएगा जब, तो आपका गियर नहीं काम करेगा। अब देख सकते हैं पुराना वाला है, थोड़ा बहुत घिसा हुआ है, ये चल जाएगा, एकदम हल्का घिसा हुआ है, कुछ नहीं होगा दोस्तों। ज़्यादा घिस जाने से क्या होगा, आपका गियर जो है लटकना चालू हो जाएगा, और तीन नंबर गियर में तीसरा नंबर गियर में क्या होगा, आपका बाइक झटका देगा, थोड़ी देर चलने के बाद झटका देगा, पीछे झटका हो कर चलेगा, तो ये फर्क खराब हो जाने से प्रॉब्लम आता है, उसके बाद गियर भी खराब हो जाता है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं मैं क्लीन करके रखा हूँ, इतना नीट एंड क्लीन है, आप देख सकते हैं दोस्तों एकदम मस्त क्लीन करके रखा हूँ। जब भी आप क्लीन करवा रहे हो तो इस तरह से क्लीन करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पैसा ले रहे हैं भाई, अच्छा से क्लीन करना है, अपना फर्ज बनता है, हम लोग अच्छा से करके देते हैं। इस वीडियो में इतना था कि आप लोग को मैं छोटा सा एक जानकारी दूं, तो इसलिए मैं आप लोग को दिखा दिया दोस्तों। आप देख सकते हैं इतना क्लीन हो सकता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। आप देख सकते हैं इतना क्लीन करना चाहिए, तो डीजल या पेट्रोल से इतना क्लीन नहीं होता, मेरे पास एक लिक्विड है उसकी वजह से मैं इतना क्लीन कर पाया हूँ दोस्तों, उसका प्राइस भी ज़्यादा है। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें मैं आप लोग को बता दूंगा कितना प्राइस है, क्या है, डिटेल में आप लोग को बता दूंगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।